ठीक है ठीक है, आराम से आराम से, हम लोग आराम से ही है, आराम हेमंत जी। आज तीन कृषि कानून की वापसी की घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी ने की है, क्या कहेंगे? किसी ने कहा कि मेरी तपस्या काम नहीं आई, किसानों को नहीं समझा पाए कानून, ये नहीं कहा कि गलत फैसला था। देखिए आज सुबह सुबह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काले कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद घोषणा है, क्योंकि अब पूरी भाजपा महकमा इस प्रचार में लगी है कि प्रधानमंत्री जी किसानों के हितैषी हैं। ये तो वही वाली बात हो गई कि पहले गला दबाओ, गला दबाने के बाद भी ना मरे तो गले लगाओ, और ये बताने का प्रयास हो कि हम आपके हितैषी। लगभग डेढ़ साल होने को जा रहे हैं, सवा साल होने को जा रहे हैं, ये बात तो साबित हुआ कि देश में आज भी लोकतंत्र डेमोक्रेसी जिंदा है। हम मांग करते हैं, हमारी पार्टी मांग करती है कि प्रधानमंत्री जी तत्काल इस आंदोलन में मारे गए किसानों को 5-5 करोड़ रुपए मुआवजा दे, उन्हें शहीद का दर्जा दे, मारे गए किसानों के परिवारों के सदस्यों को नौकरी दे, और उनके ऊपर जो FIR हुए हैं और न्यायालय में लंबित केसेस हैं उनको अविलंब वापस ले, और इस आंदोलन में सड़कों पर इतने वक्त तक किसान जो सड़कों पर थे, जो घर बार छोड़कर बाल बच्चों के साथ सड़क पर थे, उन सभी किसानों के, देश के जितने भी किसान थे सड़कों पर, उन सभी किसानों के फसल की क्षतिपूर्ति के लिए 10-10 लाख रुपए दे, और अविलंब कृषि मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। लगता है यूपी चुनाव को लेकर राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश गए हैं, यूपी चुनाव के मद्देनजर लिया गया फैसला। देखिए इनको भी पता था और ये विशुद्ध रूप से इशारा उसी और है, विशेषज्ञ से आप चर्चा भी होती रहेगी और भाजपा को भी इसका एहसास था कि इसकी खामियाजा क्या होने वाली है। इनके ही वरिष्ठ नेताओं के कई वक्तव्य आ चुके हैं, इसलिए मैं आज की इस घोषणा को हास्यास्पद बोलता हूं, और जिस तरीके से देश के अन्नदाताओं के साथ व्यवहार हुआ है, और
और आज जिस तरीके से एक प्रोपोगंडा के तहत किसानों को हितैषी, किसानों के लिए हितैषी बनने का प्रयास है, अब भाजपा का चेहरा उजागर हो चुका है। इस फैसले के बाद आने फैसलों पर भी दबाव पड़ेगा। सीएए कानून वापस लेने की बात, लेबर लॉ में इन्होंने कह दिया कि 12 घंटे काम करती है, सब भी वापस होना चाहिए। बहुत सारी चीजें आएंगी और बहुत सारी बात। आज मैच है, मैच मैच को लेकर शुभकामना भारतीय टीम को, भारतीय मैच को लेकर शुभकामना। इस खेल को आयोजित करने वाले लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और भारतीय टीम को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची एयरपोर्ट से ललपनिया रवाना होने से पहले जो तीनों कृषि कानून वापस करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, उस पर त्वरित टिप्पणी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस कानून को वापस करने की बात से लगातार इसको प्रचारित करने की बात कहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा को पता था कि इस कानून का क्या खामियाजा लोग भुगत रहे हैं। न्यूज 11 ने उनसे जानना चाहा कि क्या उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा, उसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि जिस प्रकार से बाई इलेक्शन हुए देश के कई राज्यों में और उसके जो नतीजे आए और अब जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को पता था कि इसका नुकसान होगा, लिहाजा ये फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिस प्रकार से कृषि कानून वापस करने की बात हुई है, कई अन्य कानून बने हैं इस देश में, उस पर भी आने वाले दिनों में सरकार पर दबाव बनाया जाएगा कि किस प्रकार से ऐसे कानून वापस हों। तो कम से कम मुख्यमंत्री के चेहरे पर इस बात को लेकर संतोष का भाव था कि लगातार जो विपक्ष आंदोलन कर रहा था तीनों कृषि कानून को वापस करने की बात को लेकर, कम से कम उसका नतीजा सकारात्मक रहा। और मुख्यमंत्री ने अपने बयान की शुरुआत में कहा कि काले कृषि कानून को वापस करना, यानी इसका मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री सीधे तौर पर समझ रहे थे कि तीनों कृषि कानून काले कानून हो। बिल्कुल, और बहुत अहम ये रहा, उन्होंने जो ये मांग की कि जो शहीद हो गए इस आंदोलन के दौरान, उनको उनके आश्रितों को मुआवजा मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। बिल्कुल आरती, देखिए इसकी मांग लंबे अरसे से उठ रही थी, अब जबकि कृषि कानून को आपने वापस करने की बात कही, इसका मतलब ये हुआ कि आप बैकफुट पर आए और इसका मतलब यह भी समझा जाना चाहिए कि किसानों ने अपने दम पर इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी और एक प्रकार से जीत हार ना भी कहें तो उनका आंदोलन सफल रहा। जाहिर सी बात है आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई है उस पर कुछ ना कुछ फैसला केंद्र सरकार को करना चाहिए, और उम्मीद यह भी जताई जा रही है कि आने वाले 2-3 दिनों में ऐसे किसान जिनकी मौत आंदोलन के दौरान हुई है उस पर सरकार कोई बड़ी घोषणा कर सकती है, केंद्र की सरकार। तो कुल मिलाकर यह है कि विपक्षी पार्टियों ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे अपनी जीत के रूप में भी देख रहे हैं लोग। आरती, बिल्कुल ये जीत की तरफ अगर देखिए, ये कहा जा रहा जिस तरह से उन्होंने बहुत एक इमोशनल, अगर आप कहें स्पीच था उनका, बहुत भावनात्मक तौर पर उन्होंने ये कहा कि मैं देश से माफी मांग रहा हूँ, राष्ट्र के नाम जब वो संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि तपस्या में कुछ कमी रह गई, ये चीजें थी ऐसी जो भावनात्मक तौर पर जोड़ने की कोशिश कर रही थी लोगों को कि शायद जो फैसला लिया गया कृषि कानून को लेकर, वो फैसला भले ही उन्होंने अब तक इसकी जब वो वापस लेने का ऐलान कर रहे थे उस वक्त भी खूबियां ही गिनाई। अजय, उन्होंने कहा कि तपस्या में कुछ कमी रह गई, शायद इसलिए हम समझा नहीं पाए इसकी उपयोगिता और इसकी खूबियां, लेकिन ये जरूर अब कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है इलेक्शन को देखते हुए। सामने जो इलेक्शंस प्रपोज्ड हैं, जो फोर्थकमिंग इलेक्शंस हैं, और जिस तरह से बाय इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए, उन तमाम चीजों को जब एनालाइज किया गया तो सरकार, केंद्र सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है इस मामले में कम से कम। बिल्कुल आरती, देखिए अब इंतजार करना होगा कि जो संसद का शीतकालीन सत्र का शुरुआत होगी जी, मुझे लगता है कि 10 से 12 दिनों में संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी, उसमें जब ये बहस होता है, जब इस तीनों कानून को वापस जब लिया जाएगा उस वक्त संसद के भीतर प्रधानमंत्री अपने स्पीच में क्या कहते हैं
और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कृषि मंत्री से इस्तीफे की भी मांग की है। ये ब्रेकिंग न्यूज है, अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कृषि मंत्री से इस्तीफे की मांग की है कि आपके फैसले की वजह से पूरे देश में तबाही हुई, परेशानी हुई, किसानों को आंदोलन करना पड़ा। तो ये ब्रेकिंग न्यूज है कि मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कृषि मंत्री से इस्तीफा मांगा है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच में यह भी कहा कि मुझे अफसोस है कि मैं इस पवित्र कार्य को किसानों तक नहीं पहुंचा पाया। मतलब कि ये नहीं कहा उन्होंने कि तीनों कानून गलत थे, इसको अब लागू नहीं करेंगे, इसको मैं रद्द करता हूं। इन्होंने कहा कि ये पवित्र कार्य थे जो लोगों को मैं नहीं समझा सका। तो उम्मीद और इंतजार कि संसद में क्या बयान आता है प्रधानमंत्री का, वो सब कुछ रिकॉर्ड होगा। क्योंकि राष्ट्र के नाम संबोधन अच्छी बात है, पूरे देश ने उनके भाषण को सुना है, लेकिन जब संसद की सत्र की शुरुआत होगी, शीतकालीन सत्र, उसमें जब ये तीनों कानून को वापस लिया जाने लगेगा, उस वक्त प्रधानमंत्री इंतजार रहेगा कि जब संसद का सत्र शुरू होगा उस वक्त प्रधानमंत्री के पास इस बिल को लेकर, इस कानून को लेकर क्या कुछ कहने को रहेगा और कैसे रिएक्शन वहां पर रहेंगे, क्या माहौल रहेगा, इसका इंतजार पूरे देश को रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।